गीत गीत जी मासी, इधर आ, तुझे कुछ बताना है। क्या तुम दोनों के नाम भी गीत है? वीर जी, वो बीजी ने इतनी जोर से आवाज लगाई ना, तो मैं अच्छा है तेजी, सारे घर वाले यहां पर हैं, सबके सामने बात हो जाएगी। गीत, तुझे कुछ बताना है। तेजी गया था तेरे घर दिल्ली। शक तो हमें पहले से ही था। अमृतसर में तेरा इस तरह अकेले आना कुछ ठीक नहीं था। नहीं बीजी, जैसे आप सोच रहे वैसे कुछ भी नहीं है। गीत, तूने हमसे ये बात क्यों छुपाई? ईमान और तुम्हारे बीच में कुछ अनबन है और इसी वजह से तूने घर छोड़ा। नहीं बीजी, बल्कि ये कहे कि मान भाई साहब ने गीत को घर से निकलने पे मजबूर किया था। मान भाई साहब ने कुछ गीत से ऐसा कहा, इसलिए वो घर से निकल के आ गई। बोलो गीत, ये सच है ना? अब भी चुप है? ठीक है, अब ये तय हुआ गीत कि तुम इसी घर में रहोगी। तुम्हें अपने ससुराल जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और तुम्हारा भाई यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी उसकी बहन की आंखों में आंसू लाए, फिर चाहे वो मानसिंह खुराना ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक वीर जी, बिल्कुल ठीक। आपको है ना यहां किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम लोग है ना, क्या समझता वो मानसिंह खुराना अपने आप को? अम्मी जी, गीत को कमरे में लेके जाओ। और सुन पुत्र, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। ये तेरा पूरा परिवार तेरे साथ है। बस अब गीत इसी घर में रहेगी और अगर मान भाई साहब ने इस घर में कदम रखने की कोशिश की तो हम उसे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ है ना, तो उसको लेके उदास है, लेकिन मुझे लगता है कि तुझे आते ही बीजी को सब कुछ बता देना चाहिए था। बीजी इसीलिए तो इतने नाराज है कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने उन्हें फिर भी कुछ नहीं बताया। कैसे बताती भाभी,
कैसे उन्हें कहती कि मैं घर छोड़कर आई हूं? मैं जानती थी अगर पीजी या वीरजी को पता चल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। चल छोड़ना अब ये सब बातें, इन सब बातों को सोच के क्या फायदा है। एक काम करते हैं, मैं तुझे कहीं घुमाने लेके चलती हूँ, तेरा दिल भी बहल जाएगा। नहीं भाभी, मेरा मन नहीं कर रहा। गीत, अब तू ऐसे चार दीवारी में बैठी रहेगी तो कैसे काम चलेगा? चल एक काम करते हैं, मैं तुझे यहाँ के बाजार लेके चलती हूँ। वैसे बाजार जाए तो मुझे भी बहुत दिन हो गए, पर मुझे तो याद ही नहीं है कि मुझे कितने दिन हो गए। मेरी ना याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है, बादाम नहीं खाती ना। तुझे बादाम की खीर पसंद है, मैं बनाऊं तेरे लिए शाम को, पर उसके लिए तो बाजार से बादाम लाने पड़ेंगे। पर तू तो भाभी बाजार चले। ये हुई ना बात, अब हम ना बाजार घूमने के लिए जाएंगे, हम वहाँ पे बहुत सारी खरीदारी करेंगे, चूड़ियाँ खरीदेंगे, गोलगप्पे खाएंगे, वहाँ के गोलगप्पों का स्वाद बड़ा ही अच्छा है। और तुझे पता है हमारे पड़ोसी है ना लखविंदर जी, उनके बड़े बेटे के रंग बिरंगे दुपट्टों की दुकान है वहाँ पे, हम ना बहुत सारे रंग बिरंगे दुपट्टे खरीदेंगे वहाँ से, सच्ची बहुत ही मजा आएगा। तो जल्दी से तैयार हो जा, मैं होने आई। जल्दी तैयार हो जाना। एक मिनट, कौन है तू और हमारे घर में क्या कर रही है? आपने पहचाना नहीं ना? वो तेरी जानती है मैंने, कहीं किसी गलत घर में तो नहीं आ गया? नहीं यार, घर तो अपने ही है, बंदे भी अपने हैं, फिर ये और मुझे कैसे जानती है? ओह, अब भाई गलत समझ में, ये इस नॉवल वाली मासूम हत्यारन है, ऐसी पोली पाली है वो। जुगनू, ओ आ गया तू, पर किधर गायब हो जाता है? सब छट पहने, काम की गल सुन, ये जो कुड़ी खड़ी है ना, ये बहुत बड़ी हत्यारन है। हेलो, और फिर शुरू हो गया, ये जासूसी नावल पढ़ पढ़ के पी पी के तेरे अपना दिमाग खराब कर लिया है, और साथ में मेरा भी। ये गीत है वो गीत, अपने होशियारपुर वाले छोटे बैंड की कुड़ी, भांजी है तेरी। ओ तेरी है। ये वो गीत है। मैं क्या पुत्र, गलती हो गई, पहचाना नहीं तेरे को। जिंदी रहे। आप कैसे? मैं चंगा हूँ, तू कैसी है? बिल्कुल ठीक। गीत, तैयार हो गई तू? चले शाम तक वापस आना है ना, खाना भी बनाना है। चल अच्छा बीजी आते हैं। अच्छा मामा जी, शाम को मिलते हैं।